गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने 1 से लेके 15 तक के नंबरों के नियम के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग 16 एंड 17 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल्स जानेंगे। तो बेटा, 16 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ इट्स लास्ट 4 डिजिट्स। डिविजिबल बाय 16, कोई संख्या 16 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम चारों अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या अगर 16 से डिविजिबल है तब। जैसे कि एक आध एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक संख्या हम लोगों ने दिया 1, अब इसके अंतिम चार यानी ये अंक अगर ये 16 से डिविजिबल हैं तो ये संख्या 16 से डिविजिबल होगी। अभी यहाँ पर 0 बैठाएंगे क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने 2 संख्या उतारा है, फिर 16 बन जा 16। एक आध और संख्या देख लेते हैं हम लोग, जैसे 196608, इसके अंतिम चार अंक 6608 16 से डिवाइड कर हम लोग 16 4 16 4 16 1 16 16 3 48। एक और संख्या ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं इस पर भी। ये संख्या ले इस अंतिम चारों से मिलकर बनने वाली संख्या क्या होगी? 64। 64 को हम लोगों ने 16 4 64, यानी ये संख्या 16 से डिविजिबल है। ध्यान से सुन लीजिएगा, उस संख्या के अंतिम चार अंकों से मिल के बनने वाली संख्या अगर 16 से डिविजिबल है तो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। यदि इसके है तो ये 16 से डिविजिबल है, ये भी हो रहा है तो ये है, ये भी हो रहा है तो ये भी है। एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, अब ये 16 3 48, 16 5 80, 16 3 48। ये चारों डिविजिबल है 16 से, चारों अंक से मिलकर बनने वाली संख्या, यानी ये भी संख्या 16 से डिविजिबल है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, ठीक। अब अंतिम चार अंक से मिलकर बनने वाली संख्या 9 है, रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर हुआ अपना, अगर जो संख्या दी हुई है 16 से डिविजिबल के लिए, ध्यान से फिर से सुन लीजिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ इट्स लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 16। अब 17 के क्या नियम होते हैं वो देखेंगे हम लोग। एक संख्या 17 से कब डिविजिबल होती है? तो 17 से डिविजिबल होने के लिए अपना जो नियम होता है बेटा वो ये है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 17 इफ
वी मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम द रेस्ट नंबर इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई सेवेंटीन देन आवर नंबर इज डिविजिबल बाई सेवेंटीन। सेवेंटीन से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी? उस संख्या की लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस वाली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा बाकी बची संख्या में से उसको माइनस कर देंगे। अगर बड़ी संख्या आती है तो फिर यही प्रक्रिया हम लोग रिपीट करेंगे, और जब तक करेंगे तब तक ऐसी कोई संख्या ना आ जाए जिसे हम लोग आसानी से जान सकें कि ये 17 से डिविजिबल है, तब तो वो संख्या 17 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए एक छोटी संख्या लेते हैं हम लोग 85, ठीक है, यूनिट प्लेस से 5 है, तो 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 25। अब बची हुई संख्या में से 25 को माइनस कर देंगे, माइनस 17 आया, यानी 17 से डिविजिबल है। एक दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग 102, यूनिट प्लेस पे क्या है 2, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, बची संख्या में से हमने 10 माइनस किया 0 बचा, यानी ये भी संख्या 17 से डिविजिबल है। अगर माइनस करने के बाद 17 या 17 के टेबल में आने वाली कोई संख्या या 0 बचे तो वो संख्याएं 17 से डिविजिबल हैं। एक दूसरी संख्या लेते हैं हम लोग 1734, अब यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, अब बच्चे में से 20 को हम लोगों ने माइनस किया 153, ये बड़ी संख्या है, एक बार इसको फिर रिपीट करेंगे, यूनिट प्लेस पे 3 तो 3 इंटू 5 15, अब 15 में से 15 माइनस किए 0, यानी ये भी अपनी संख्या 17 से डिविजिबल है। एक और संख्या लेते हैं 29478, क्या करना है, यूनिट प्लेस वाली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई 40, अब जो बचा जो बची संख्या है उसमें से इसको माइनस करेंगे, ये बड़ी संख्या है, फिर इसी को रिपीट करेंगे, यूनिट प्लेस वाली संख्या से 5 से मल्टीप्लाई 35, अब 35 को इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ 5 ये 5 फिर ये बड़ी संख्या है, फिर रिपीट करेंगे 5 इंटू 5 25, 25 में से 25 गया 0, यानी ये भी संख्या 17 से डिविजिबल है। एक और संख्या देख लेते हैं हम लोग 24565, ये एक संख्या है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 इंटू 5 हमने 25 माइनस किया, कितना बचा अब 1 इंटू 5 फिर 14 माइनस 17 बचा, यानी ये संख्या 17 से डिविजिबल है।
जो होंगे बेटा अपना 16 और 17 के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, देश के नियम हो गए। थैंक्स।